हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन प्लस उनका यूज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स विद एग्जाम्पल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं रेगुलरली और वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझको सोशल मीडिया से के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को पे फॉलो अप करें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कार्टोग्राफिक सिम्बल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर वाइवा का क्वेश्चन है तो वाइवा का पेपर है तो इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कार्टोग्राफिक सिंबल्स। तो आपको तीन कार्टोग्राफिक सिंबल्स बताने होंगे, तीन टाइप के होते हैं, पॉइंट, लाइन एंड एरिया। प्लस ये पूछ सकते हैं कि इन कार्टोग्राफिक सिंबल्स के एग्जांपल्स बताओ, कि पॉइंट सिंबल का एग्जाम्पल, लाइन का एक एग्जाम्पल या एरिया का एक एग्जाम्पल। सो आपसे उसका कार्टोग्राफिक सिंबल्स क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। प्लस पॉइंट, लाइन एंड एरिया, इन तीनों में से किसी एक का एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं। सो एज अ नेम सजेस्ट पॉइंट, पॉइंट मतलब ये होता है जो कि पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग एज अ सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ मैप। फॉर एग्जाम्पल ये मैप हम लोग ने यूज लिया है, इसमें हम लोग तीनों सिंबल बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा लाइन एंड कौन सा एरिया है। सो इसमें आप अगर देख रहे हो तो जो टेम्पल वाले सिंबल्स बने हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये टेम्पल वाले सिंबल जितने ही बने हैं, दीज आर द पॉइंट सिंबल्स। पॉइंट सिंबल्स मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पे एक चीज़ दिखाई गई है। ओके, पॉलिटिकल मैप्स पे जिन पॉइंट्स पे वो दिखाया जाता है कि ये सिटी कौन सी है, लखनऊ, पटना या दिल्ली या बेंगलुरु, कौन सी सिटी एक पॉइंट सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। सो वो सारे पॉइंट सिंबल्स होते हैं। लाइन सिंबल्स मतलब वो सिंबल्स जो कि लीनियर हैं, मतलब एक लाइन के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल रिवर, रोड, रेलवे ट्रैक और इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ये सब लाइन के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इनको हम लोग लाइन सिंबल्स कहते हैं। इसमें ये जो सिंबल्स हैं, रोड दिख रही है, ओके, ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, दीज ऑल आर द पॉइंट सिंबल्स, ओके, सॉरी लाइन सिंबल्स। अब हम लोग देखते हैं एरिया सिंबल्स। एरिया सिंबल्स में पॉइंट और लाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। बहुत सारे पॉइंट सिंबल्स को ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर बड़ा सा एरिया, कंटिन्यूस एरिया दिखाने के लिए हम लोग एरिया सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लेक है, इस लेक को दिखाने के लिए हम लोगों ने एरिया सिंबल यूज़ किया है। ये ग्रास लैंड है, ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये लार्ज एरिया है, ओके। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एरिया। सो पॉइंट, लाइन एंड एरिया सिंबल्स के ये तीन एग्जाम्पल्स और क्या होते हैं मैंने आपको बताया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल वेरिएबल। कोई एक ज्योग्राफिकल वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, जो वेरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, ओके, या रेनफॉल है, ये सब क्या है, वेरी कर रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वेरिएबल हैं, ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स, और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी, फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ हैं, ओके। सो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए जो हम लोग तकनीक अपनाते हैं, जो हम लोग मेथड अपनाते हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कहते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन मैप बेसिकली तीन चीज़ें दिखाता है, डेंसिटी, पैटर्न एंड डिस्पर्शन। डेंसिटी मतलब घनत्व, कि एक पर्टिकुलर चीज़ों में जगह पे वहाँ पर किसी चीज़ की क्या डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो उत्तर प्रदेश या बिहार में या इंडिया में एज अ होल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने जगह पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। सो डेंसिटी, तो डेंसिटी कैन बी शोन बाय डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। पैटर्न, पैटर्न मतलब वहाँ पर स्वभाव कैसा है, प्रतिरूप कैसा है उस जगह पे, ओके, कि पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स कैसा है, पैटर्न ऑफ वेजिटेशन कैसा है, ओके, पैटर्न ऑफ रिलीफ कैसा है। तो ये चीज़ हम लोग किससे दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स को। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब
कैसे वो चीज़ें फैली हुई हैं, फैलाव कैसा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका डिस्पर्जन, इंडिया में मैंगनीज, इंडिया में शुगर केन कल्टिवेशन कहाँ कहाँ होता है, उसका डिस्पर्जन। सो ये सब दिखाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल से ये जवाब दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैप को हम लोग डेंसिटी पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ये भी वाइवा में पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मैप कितना टाइप के होते हैं, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगेन चार टाइप के होते हैं, कोरोपेथ, आइसोप्लेट, डॉट मेथड एंड डायग्रामेटिक। क्वालिटेटिव मैप्स तीन टाइप के होते हैं, कलर पैच, कोरोक्रोमैटिक एंड कोरोस्कीमैटिक। कोरोस्कीमैटिक ज्योमेट्रिकल, पिक्टोरियल, अल्फाबेटिकल, तीन टाइप का और होता है। अब इन सारे मैप्स को हम लोग एक एक करके लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है कोरोपेथ मैप। कोरोपेथ मैप एज व्हाट इज रिटन इन दिस पीपीटी, इसमें क्या लिखा है, इट यूजेस डिफरेंस इन शेडिंग कलर और प्लेइंग प्लेसिंग ऑफ सिंबल्स विद इन अ प्री डिफाइंड एरियाज टू इंडिकेट द एवरेज वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की एवरेज वैल्यूज दिखाते हैं हम लोग कोरोपेथ मैप से। और इन मैप्स में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखिए हर मैप की क्वालिटी होती है कि इन मैप में हम लोग इस चीज़ का मेन यूज़ करते हैं, इसलिए ये और मैप से अलग है, ठीक है। कोरोपेथ मैप आइसोप्लेथ और कोरोस्कीमैटिक मैप से कैसे अलग है, बिकॉज इसमें हम लोग शेडिंग और कलरिंग का यूज़ करते हैं। शेडिंग और कलरिंग जनरली हम लोग जब बनाते हैं अपने हाथों से, तब हम लोग उसको जनरली ब्लैक पेन से या ब्लैक कलर से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोरोपेथ मैप में ब्लैक कलर ही यूज़ करना चाहिए। कोरोपेथ मैप को बनाने के टाइम हम लोग शेडिंग यूज़ करते हैं, या अगर हम लोग के पास शेडिंग अवेलेबल नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, शेडिंग नहीं है, शेड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या कैसे मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोरोपेथ मैप इज़ यूज टू शो पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या क्या हम लोग दिखा सकते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड यूजेस ऑफ लैंड। ये तीन चीज़ हम लोग बेसिकली दिखाते हैं किससे, कोरोपेथ मैप से। कोरोपेथ मैप का एक एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू विजुलाइज हाउ मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम अक्रॉस एन एरिया। एक बड़े एरिया में कैसे मेजरमेंट वेरी कर रहा है, इसको एक ग्लिम्स देख के, एक बस नज़र मार के हम लोग देख के बता सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, क्यों हम लोग कोरोपेथ को डिसएडवांटेजेस में, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। पहली बाउंड्रीज, मतलब अगर एक जगह पर मान लो लो डेंसिटी है और एक जगह पर हाई डेंसिटी है, सो जो इन लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाली की जो बाउंड्री एरिया होगा, वहाँ पर जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसमें एक एब्रप्ट चेंज होगा और फॉल्स चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद डिफरेंट शेड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें हम लोग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो कोरोपेथ मैप के दो डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें टोटली शेडिंग यूज़ की गई है। शेडिंग में ये एक्चुअली लिटरेसी रेट 2001 का इंडिया का मैप है, जिसमें इसमें देखिए ये एक चार्ट नीचे एक इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें शेड्स डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लैक को यूज़ करके उस पर एक पर्टिकुलर लेजेंड बना दिया गया है कि डार्क है तो अबव 83, उससे कम 74-83, उससे कम 65-74, उससे कम 56-65 और उससे कम तो लेजेंड 50। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जिन जिन स्टेट्स में जिस हिसाब से लिटरेसी है, उस हिसाब से इस कलर को हम लोगों ने इन शेड्स को या इन ब्लैक कलर के टिंट्स को यूज़ करके हम लोगों ने इसको भर दिया है। लेकिन आप जब इसको पेन से बनाओगे तो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप इतने सारे शेड्स यूज़ कर सको एक ही पेन को यूज़ करके। सो हम लोग जब अपनी फाइल्स में या एग्ज़ाम में बनाते हैं, तो हम लोग इस टाइप का मैप बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें भी हम लोग ने ब्लैक कलर यूज़ किया है, इसमें हम लोग ने डिफरेंट लाइंस एंड शेप्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल ये एवरेज रेनफॉल का मैप है, मिलीमीटर में अगर 2000 से ऊपर है तो वो एकदम उन्होंने डार्क ब्लैक कर दिया है, अगर 1000 से 2000 है तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने देखिए ब्लैक लाइंस बनाई हॉरिजॉन्टल। अगर 600 से 1000 है, उन्होंने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, सब वर्टिकल लाइंस हैं। और अगर 600 से कम है तो उन्होंने डॉट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल दिस। ओके, सो
अगर आपके पास डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली लाइंस को या स्ट्रेट लाइंस या स्लैंटिंग लाइंस को यूज करके एक क्लोरोप्लेथ मैप्स को का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो. ओके, आइसोप्लेथ मैप्स. दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग लोकेशंस ऑफ प्लेसेस हैविंग सेम और इक्वल वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल. इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ जहाँ पर इक्वल वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक इंडिया का मैप देखा, उसमें हमने देखा कि लखनऊ, पटना, कोलकाता, फिर नीचे है रायपुर, नागपुर और गांधीनगर, इन सारे एरियाज में सेम प्रेशर अवेलेबल है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो उन्होंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. तो जब हमने इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गई. ये लाइन दिखा रही है कि इन जगहों पर सेम प्रेशर है. तो इस मेथड को हम लोग आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं. अब एक लाइन तो नहीं है बना ली, हम लोगों ने देखा कि और श्रीनगर में, जयपुर में और फिर राजकोट में, इन सब जगहों पे एक दूसरा प्रेशर है. ओके, लेकिन इक्वल है. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों जगहों पे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. सो आइसोप्लेथ का मतलब इट मेक्स यूज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लोकेशंस ऑफ प्लेसेस हैविंग सेम और इक्वल वैल्यूज. ओके, सेम और इक्वल वैल्यूज को जोड़ने वाली लाइन्स को हम लोग आइसो लाइन्स बोलते हैं. आइसोप्लेथ वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड, इसका मतलब आइसोस और का मतलब सेम, प्लेथ्रॉन का मतलब मेजर्स. अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है और इनके अच्छाई क्या होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, अब द स्पेसिंग ऑफ लाइन्स एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ वेरिएशन. जो लाइन्स होती हैं, जो जिन लाइन जितनी अगर क्लोजली मतलब जो एक लाइन और दूसरी लाइन, जैसे हम लोग मैप में देखते हैं. अब यहाँ पर हम लोगों ने मैप में देखा तो यहाँ पर देखिए ये लाइन्स हैं. अब एक लाइन 990 MB की है, एक 980 MB की है, तो इसमें मैं और एक लाइन 1000 MB की है. तो देखो 1000 MB और 990 MB की लाइन बहुत क्लोजली है, क्लोज है, और 990 MB और 980 MB की लाइन बहुत दूर है. सो इसमें हम लोग देख के बता सकते हैं वेरिएशन. अगर पास लाइन्स हैं दो तो मतलब वेरिएशन बहुत स्टीप है, बहुत हाई है, और अगर दूर लाइन्स है तो इसका मतलब वेरिएशन वहाँ पर बहुत जेंटल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 990 और 980 में जो तुम्हारा वेरिएशन है वो जेंटल है, और 990 और 1000 में वेरिएशन इज क्वाइट हाई. उसके बाद दे आर नॉट सुटेबल फॉर डिसकंटिन्यूस और पैचेड डिस्ट्रीब्यूशंस और वेरियस वेरिएबिलिटी इज ग्रेट. जहाँ का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर पैचेस हैं, मतलब मान लो MP का डेटा अवेलेबल नहीं है, छत्तीसगढ़ का अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में इंडिया का आइसोप्लेथ मैप बनाना बेकार है, बिकॉज आपके पास बीच का डेटा अवेलेबल नहीं है. सो वहाँ पर हम लोग आइसोप्लेथ मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. और इनको बनाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है, जो कि लाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए आइसोप्लेथ मेथड्स का ये डिसएडवांटेज हो जाता है. ये आइसोप्लेथ मैप का एक एग्जाम्पल है. सो ये आइसो बार्स दिखाए गए हैं इसमें. आइसो बार्स मतलब जो इक्वल प्रेशर, जो लाइन्स इक्वल प्रेशर को जोड़ती हैं. तो जहाँ जहाँ पर 1000 प्रेशर है वहाँ पर 1000 वाली लाइन दिख रही है, जहाँ पर 990 प्रेशर है वहाँ 990 वाली दिख रही है. सो ये एक बेसिकली आइसोप्लेथ मैप है. अब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मैंने काफ़ी जगहों से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए एक जस्ट फॉर्मेट में, एक कंक्रीट फॉर्मेट में इकट्ठा कर दिया है. इसमें ये बताया गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब जो टर्म ज्योग्राफी में यूज़ होते हैं, कौन से आइसो लाइंस क्या चीज़ शो करती है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने मैप देखा उसमें देखा कि आइसो बार शो हो रहे थे. आइसो बार जो हैं वो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइंस को शो करते हैं. तो मतलब जहाँ जहाँ सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उन लाइंस को जोड़ने वाली लाइंस आइसो बार्स होती हैं. वैसे ही आइसो थर्म्स, आइसो हाइट्स, आइसो हेल्स, आइसो नेफ्स, आइसो बार्स, ये सारी लाइंस मैंने आपको मल्टीपल नाम दिए हैं, ये क्या शो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसोक्रोन, आइसोक्रोन पॉइंट्स टेकिंग द सेम टाइम टू रीच फ्रॉम अ गिवन प्लेस. आइसोगॉन पॉइंट्स विद सेम विंड डायरेक्शन. तो ये टोटल टेबल आप अपने आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको याद करना होगा फॉर वाइवा पर्पसेस. ओके, डॉट मैप्स. डॉट मैप्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. डॉट मैप्स जो हैं वो डॉट्स को यूज़ करते हैं ऑफ यूनिफॉर्म साइज, एक पर्टिकुलर साइज़, और को यूज़ करके हम लोग मैप पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं.
और एक डॉट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और किसी भी एरिया की वेरिंग डेंसिटी को ये बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। और इट अलाउज फॉर मैपिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनदर फिनोमिना। ओके, और भी हम लोग कहते हैं मल्टीपल डॉट्स को, मल्टीपल कलर के डॉट्स को यूज़ करके हम लोग दो तीन वेरिएबल्स को एक ही मैप पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो नॉर्थ इंडिया है उस तरफ वीट कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, तो वीट कल्टीवेशन का हम लोग ने डॉट ले लिया पिंक या ग्रीन, और साउथ में राइस कल्टीवेशन का हम लोग ने डॉट ले लिया ग्रीन या पर्पल। तो हम लोग ने एक ही मैप पे दो कलर के डॉट्स को यूज़ करके हम लोग ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ द डॉट्स आर गेट टू डेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड। अगर डॉट्स बहुत पास पास हो जाते हैं तो इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्या दिखाने के लिए, दे आर प्रेफर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टॉक्स, क्रॉप्स, मिनरल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। तो ये वाई वाई पूछा जा सकता है कि डॉट मैप्स का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये इंडिया पॉपुलेशन का एक डॉट मैप है, यहाँ पर एक डॉट 200000% यानी कि 200000% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आप इस मैप पे देख के बता सकते हो कि जो ये वाली बेल्ट है गंगा वाली बेल्ट, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, जैसे यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज यहाँ पर डॉट्स बहुत ज़्यादा डेंस है। सो ऑब्वियसली बात है जो इंडिया का जो गंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। सिमिलरली ये जो आप एकदम डार्क ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हो ये है न्यू दिल्ली, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 11,000% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो ये आप एकदम बस एक बार देख के बता सकते हो कि कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कहाँ पर कम है। तो ये इनका एक फ़ायदा होता है डॉट मैप्स का। फोर्थ एंड द लास्ट मेथड फॉर क्वांटिटेटिव मेथड्स इज डायग्रामेटिक मेथड। डायग्रामेटिक मेथड में बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के डेटा को शो करने के लिए हम लोग बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे डायग्राम्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैप में आप देख रहे हो इनको हम लोग ये जो सर्कल्स यूज़ किए हैं इनको हम लोग प्रोपोर्शनल सर्कल्स बोलते हैं। यहाँ पर इस मैप पे हम लोग ने इंडिया का पॉपुलेशन दिखाने के लिए प्रोपोर्शनल सर्कल्स को यूज़ किया है। तो आप बस देख के बता सकते हो कि जहाँ का सर्कल बड़ा है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यूपी की पॉपुलेशन आपको देखने में लग रही ज़्यादा है, वैसे महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल बार्स, बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इन फिगर्स को हम लोग मैप पे इनकॉर्पोरेट करके अपना एनालिसिस या अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। अब क्वालिटेटिव मेथड्स में पहला है कलर पैच मेथड। कलर पैच मेथड बेसिकली कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हम लोग कलर्स का यूज़ करते हैं और बेसिकली कलर्स हम लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि बाउंड्रीज को हम लोग अलग अलग दिखा सकें। ओके, डिक्लेयर द बाउंड्रीज, यहाँ पर बाउंड्रीज को अलग अलग दिखा सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग ये जो जितने पिंक, ग्रीन, येलो और ब्राउन और पर्पल कलर यूज़ किए गए हैं इनका कोई स्पेशल मोटिव नहीं है कि यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है तो येलो कर दिया, यहाँ पर प्लेन पाया जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इन कलर्स को सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हम लोग उत्तर प्रदेश की, तेलंगाना की, लद्दाख की, इन सब की बाउंड्रीज़ को दूसरे स्टेट्स, मतलब जो उनके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जो उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनसे अलग कर सकें। अगर सेम कलर के दो स्टेट्स साथ साथ कर दोगे तो हो सकता है बाउंड्री पहचानने में प्रॉब्लम हो जाए। सिर्फ इनका बेसिक यूज़ ये होता है। कोरोक्रोमैटिक मैप बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोक्रोमैटिक मैप, जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स खोरा मतलब लोकेशन और क्रोमा मीन्स कलर से लिया गया है। इसको टिंट मेथड और लेयरिंग मेथड ही बोला जाता है। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस मेथड में हम लोग बहुत सारे कलर्स का यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ मैप। मैप में बहुत सारे फीचर्स को दिखाने के लिए हम लोग कलर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन मैप में हम लोग फॉरेस्ट को ग्रीन कलर से दिखा सकते हैं, ग्रासलैंड्स को येलो से और डेजर्ट को ब्राउन से। साइड में नीचे आप जितने भी एटलस में ये कलर्ड वाले मैप देखोगे नीचे एक इंडेक्स जरूर बना होता है, तो साइड में एक इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो बाय दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एलिमेंट कैन बी शोन। ओके, एक सिंगल एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखा सकते हैं
इसमें आपको इस मेथड को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल रेनफॉल दिखानी है तो हम लोग एक कलर ही यूज़ करेंगे, जैसे ब्लू, ब्लू के डिफरेंट शेड यूज़ करके हम लोग रेनफॉल दिखाएंगे। ओके, डिफरेंट एलिवेशंस को भी यूज़ दिखा सकते हैं। तो ये कोई कोरोक्रोमेटिक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग देख रहे हैं ये जो डेजर्ट है उसको ब्राउन कलर से दिखाया है, जो प्लेन है सॉरी जो ये हमारा मॉइस्ट एसिडियस है उसको लाइट ग्रीन से दिखाया है। ओके, जो ड्राइड एसिडियस है उसको येलो कलर से दिखाया है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके यहाँ पर हम लोग ने नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का डिपिक्ट किया है। तो ये कोरोक्रोमेटिक मेथड है। दिस इज ऑल्सो कोरोक्रोमेटिक मेथड। मैंने क्या बताया था कि एक फीचर, एक पर्टिकुलर फीचर भी आप इस मेथड को यूज़ करके दिखा सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ रेनफॉल दिखाई है और रेनफॉल दिखाने के लिए हम लोग इससे ब्लू शेड यूज़ किया है, और यहाँ पर ब्लू के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करके हम लोग ने इस रेनफॉल दिखाई है। और नीचे यहाँ पर हम लोग ने क्या बनाया है, एक इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंडेक्स नहीं बनाओगे तो इस मैप का यूज़ कोई नहीं, कुछ नहीं है, बिकॉज कौन सा कलर क्या दिखा रहा है उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो जहाँ पर डार्क है वहाँ पर पता चल रहा है कि वहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर पता चल रहा है कि रेनफॉल बहुत कम है। कोरोस्केमेटिक यानी कि सिंबल मेथड। इसमें हम लोग बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मैप पे दिखा सकते हैं। सिंबल जनरली तीन टाइप के यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल, पिक्टोरियल या अल्फाबेटिकल। इन तीनों के मैप्स और देखते हैं इनके बारे में। ज्योमेट्रिकल सिंबल्स मतलब जब हम लोग ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यानी कि स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, पिरामिड, इन सब को यूज़ करके कुछ मैप पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैप पे मिनरल मैप ऑफ इंडिया जो है, इसमें हम लोग ने लाइमस्टोन को स्टार से दिखाया है, तो जहाँ जहाँ पर लाइमस्टोन है वहाँ हम लोग ने स्टार बना दिया है। ब्लैक सर्कल से कोल को दिखाया, तो जहाँ जहाँ कोल मिलता है वहाँ पर हम लोग ब्लैक सर्कल कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने इनको ज्योमेट्रिकल सिंबल के अंदर कैटेगराइज किया है। पिक्टोरियल सिंबल्स, पिक्टोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू पिक्चर। अब जहाँ पर हम लोगों को कुछ दिखाना है तो अगर हम उससे रिलेटेड पिक्चर बना दें तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर मैप ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया है। ओके, ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया हमने बताई जा रही है कौन सी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है। सो अगर हम मैप को जूम करें तो यहाँ पर हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि मथुरा में इंडियन ऑयल की है, और गुजरात में रिलायंस की है। ओके, और मुंबई में भारत पेट्रोलियम की है, मुंबई में ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम की भी है। सो सिंपल हम लोग एक पिक्चर देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल मैप में, यहाँ पर अगर शुगर केन बनाओ तो मतलब यहाँ पर शुगर केन ग्रो हो रहा है, यहाँ पर अगर कॉफ़ी बनी हो तो मतलब यहाँ पर कॉफ़ी दिख रही है। सो पिक्टोरियल मेथड मतलब जहाँ पर जो चीज़ हमें दिखानी है हम लोग उसकी पिक्चर यूज़ करके वहाँ पर उसको दिखा रहे हैं। थर्ड इज अल्फाबेटिकल मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड में हम लोग सिंपल अल्फाबेट्स यूज़ करते हैं फॉर शोइंग एनी थिंग ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल इस मैप पे हम लोगों ने कोल को सी से रिप्रेजेंट किया, तो जहाँ जहाँ कोल मिल रहा है वहाँ पर हम लोगों ने सी लिख दिया है। जिंक को जेड से रिप्रेजेंट किया, तो जहाँ जहाँ जिंक मिलता है वहाँ पर हम लोगों ने जेड से लिख दिया है। गोल्ड को जी से, तो जहाँ जहाँ गोल्ड मिल रहा है वहाँ पर हम लोगों ने जी लिख दिया है। सो ये अल्फाबेटिकल मेथड है जहाँ पर हम लोग अल्फाबेट्स का यूज़ करते हैं। सो ये टोटल कोरोस्कीमेटिक मतलब तीन मेथड, सिंबल्स यूज़ करते हैं तीन, यानी ज्योमेट्रिकल, अल्फाबेटिकल एंड पिक्टोरियल मेथड्स। सो ये थे क्वालिटेटिव मेथड्स ऑल्सो। तो हमने इस पूरी वीडियो में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को डिस्कशन अच्छे से कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू माई चैनल, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।